हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय काले सीआईटेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआईटेस फाइनल एग्जाम का रिजल्ट दोबारा कब आएगा, उसको लेकर हम बात करेंगे। किन छात्रों के रिजल्ट में बदलाव होने की संभावना है, उसको लेकर हम बात करेंगे। और सप्लीमेंट्री एग्जाम में किन स्टूडेंट को बैठना पड़ेगा, इसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। बेसिकली जो भी आपके डाउट्स वगैरह थे वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। तो देखें दोस्तों, जिन स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना @ जैसे आप सर्च करोगे विजय काले सीआईटेस के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। दूसरा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना @CITSElectrician। जैसे ही सर्च करेंगे CITSElectrician 2023-24 के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। बाकी जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, उनको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ दोस्तों, व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। उसको ज्वाइन करने का बेनिफिट ये रहता है, कोई भी इंस्ट्रक्टर की कोई वैकेंसी आती है, कोई भी नोटिस होता है, वो आपको वहाँ पर मिल जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई CITS फाइनल एग्ज़ाम के रिजल्ट को लेकर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है 16 सितंबर को दोपहर के टाइम आपका रिजल्ट आया था, ठीक है। और उसी दिन क्या किया, वेबसाइट से वो रिजल्ट हटा दिया गया, ठीक है। सबसे पहले उसके कारण को लेकर हम बात कर लेते हैं क्यों वो हटाया गया। देखिए दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है उस रिजल्ट में कुछ खामियाँ थी। जैसे मैंने कुछ कैंडिडेट से बात की, कुछ कैंडिडेट के मैसेज वगैरह भी आए। जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, चाहे वो ट्रेड प्रैक्टिकल हो, चाहे वो ट्रेनिंग मेथोलॉजी का प्रैक्टिकल हो, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट को फेल कर रखा है, ठीक है। तो मे बी एक रीज़न ये हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में मैंने कहीं पर नहीं सुना फेल होते हुए कैंडिडेट। तो अब की बार ये देखा गया है कि प्रैक्टिकल में अच्छी खासी संख्या में स्टूडेंट को फेल किया गया है, ठीक है। तो एक कारण ये भी हो सकता है, ठीक है। तो भाई अब बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए दोस्तों, रिजल्ट आपका जल्द ही आ जाएगा, यानी आज शाम तक या फिर कल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट अपना रिजल्ट चेक नहीं कर पा रहे हैं भाई, वहाँ पे आप तभी चेक कर पाओगे जब अगस्त 2024 का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर अभी तक ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, जब ये ऑप्शन आएगा तभी आप अपना रिजल्ट चेक कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे ही इसका अपडेट आएगा आपको जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ा डाउट है स्टूडेंट के मन में, जो हमारा रिजल्ट आया क्या उसमें बदलाव होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं जो कैंडिडेट पास है उनके रिजल्ट में बेहद कम संभावना है कि कोई चेंज हो, कोई बदलाव नहीं होगा। मुझे नहीं लगता जो पास है उनके उसमें कोई बदलाव हो, ठीक है। बदलाव किन स्टूडेंट के रिजल्ट में हो सकता है भाई, जो कैंडिडेट प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल है, प्रैक्टिकल एग्जाम में, तो मे बी उनके रिजल्ट में आपको चेंज देखने को मिल सकता है। अब ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ एक कॉलेज में के स्टूडेंट से बात की, मैंने 2-3 कॉलेज के स्टूडेंट से बात की। जैसे NSTI भुवनेश्वर है, तो वहाँ पे भी कुछ कैंडिडेट को फेल कर रखा है। तो मेरी समझ में तो नहीं आया कि भाई प्रैक्टिकल में फेल क्यों कर रखा है, ठीक है। तो जो रिजल्ट का बदलाव है वो किस में, जो प्रैक्टिकल में फेल कैंडिडेट है उनके रिजल्ट में बदलाव हो सकता है, और डेफिनेटली बदलाव होगा कुछ रिजल्ट में, ठीक है। बाकी जो कैंडिडेट पास है उनको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अब बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम किन छात्रों को देना पड़ेगा। देखिए, जो भी स्टूडेंट, चाहे वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो या थ्योरी का एग्ज़ाम, किसी भी सब्जेक्ट में अगर फेल हो गया है तो भाई उनको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम आपका जनवरी लास्ट या फरवरी में होगा, दिसंबर में इसका नोटिस आ जाता है, ठीक है। दिसंबर में जब इसका नोटिस आएगा आपको फ़ीस जमा करनी पड़ेगी, जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम फ़ीस होती है वो पे करनी पड़ेगी। फिर आप का जो पूरा शेड्यूल है वो आएगा, उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो भी, या आपका थ्योरी का एग्ज़ाम हो या प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम जिसमें आप फेल हुए हो, ठीक है। तो वो कैंडिडेट बैठ पाएंगे। बेसिकली सप्लीमेंट्री जो एग्ज़ाम होता है ये 2 कैंडिडेट के लिए होता है भाई, जो तो जो फेल हो गए एक तो वो, और जो अटेंडेंस के कारण एग्ज़ाम नहीं दे पाए, अटेंडेंस के कारण वो कैंडिडेट इसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। जब इसके रिगार्डिंग
अपडेट आएगा, कोई नोटिस आएगा, उसकी जानकारी भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना है, जो इससे भी कोई भी अपडेट आएगी वो जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और हाँ दोस्तों, जैसे ही आपका अपडेटेड रिजल्ट आ जाता है दोबारा से, उसकी भी जानकारी आपको दे दी जाएगी, ठीक है। जो कैंडिडेट पास है उनको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि वो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा परेशान है जो पास है, वो सोच रहे कि सर अपडेटेड में कभी हमें फेल ना कर दे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया रिजल्ट में चेंज किनके हो सकता है, जो प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल है उनके रिजल्ट में चेंज होने की संभावना है, ठीक है। जैसी अपडेट आएगी आपको जानकारी मिल जाएगी।